हाय एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने एक डेवलपमेंट किया था सिलेंडर का, जिसमें एक स्क्वायर होल था। उसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन आज देखने वाले हैं, जिसमें एक हेक्सागोनल प्रिज्म है, उसमें हम लोगों ने एक सर्कुलर होल किया हुआ है और हमने उसमें डेवलपमेंट करना है। तो इस टाइप से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट हमने देखा था कि स्क्वायर प्रिज्म था, वहाँ पर स्क्वायर होल हमने किया था। सेकेंड में फिर देखा हमने सिलेंडर था, सिलेंडर में स्क्वायर होल कर लिया। आज देख रहे हैं हम लोग हेक्सागोनल प्रिज्म में, यहाँ पर सर्कुलर होल कर रहे हैं, तो उसका क्या डेवलपमेंट होगा। फिर एक दो लेक्चर और देख लेंगे, जिसमें अगर पिरामिड का कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो भी हम लोग उसका भी वेरिएशन कर लेंगे, जिससे हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम मैनेज करके क्वेश्चन को बनाइए, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको बनाकर मुझे सेंड कीजिए। सिर्फ दो स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिए और बनाकर भी सेंड कीजिए मुझे, जिससे कि क्या होगा कि अगर कुछ मिस्टेक होते हैं तो मैं उसको आपको बता पाऊंगा कि यहाँ पर यह मिस्टेक है। हो सकता है कि आप समझ नहीं पाए होंगे, तो मैं उसको समझा पाऊंगा वहाँ पर कि आप क्या समझ रहे हैं, जिससे कि मैं देख पाऊंगा कि आपका क्या फाइनल सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप लोग कोशिश कीजिए। क्वेश्चन मैं बताता हूँ आज का क्या है। अ हेक्सागोनल प्रिज्म हैविंग बेस एज 30 mm एंड हाइट 70 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP सच दैट इट्स वन बेस एज इज पैरेलल टू VP। एक हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसका बेस एज 30 है एंड हाइट 70 mm है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस सच दैट बेस ऑन HP, यहाँ पर आप कर लीजिएगा, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP सच दैट इट्स वन बेस एज इज पैरेलल टू VP, उसका एक बेस एज पैरेलल टू VP है। द प्रिज्म हैज़ अ सिलिंड्रिकल होल, प्रिज्म के पास एक सिलिंड्रिकल होल है ऑफ डायमीटर 40 mm, 40 mm डायमीटर है जिसका, सच दैट एक्सिस ऑफ होल बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ प्रिज्म, एक्सिस ऑफ प्रिज्म का एक को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ हाफ दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू VP, VP के वो परपेंडिकुलर है। डेवलपमेंट हमने प्रिज्म का करना है। यहाँ पे ऑन HP लगा दीजिएगा आप, ऑन HP। तो हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग हेक्सागोनल प्रिज्म का डेवलपमेंट कर लेते हैं। हेक्सागोनल प्रिज्म पहले बना लेते हैं। हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसका बेस एज 30 है, तो 30 mm बेस का हमने हेक्सागोनल प्रिज्म बना लेना होगा। उसके बाद उसका बेस HP पर होना चाहिए। तो आप जब भी हेक्सागोनल प्रिज्म का बेस HP पर रखते हैं तो आपको क्या नज़र आता होगा, टॉप से जब हम देखेंगे तो उसका बेस का शेप नज़र आएगा और वो हेक्सागोन हमें टॉप व्यू में दिखने वाला है। तो टॉप व्यू में आपको क्लियर हो गया है कि टॉप व्यू में हमें यहाँ पर हेक्सागोन बना लेना है। और फ्रंट व्यू में जब भी प्रिज्म होता है तो फ्रंट में हमें क्या दिखता है, एक रेक्टेंगल दिखता है कि उसका जो भी हाइट होगा उस हाइट का हमें रेक्टेंगल दिखेगा, और जो विड्थ नीचे का जो बेस का आएगा वो देख लेंगे हम लोग क्या आएगा, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पर रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब यहाँ पर डिसाइड क्या करना है कि हेक्सागोनल प्रिज्म है उसका जो बेस हम लोग बनाएंगे उसका एज कैसे रखना है। तो यहाँ पर बोल रहा है इट्स वन बेस एज इज पैरेलल टू VP, उसका बेस का एक एज जो होगा वो पैरेलल टू VP होगा, मतलब टॉप में हम देखेंगे तो हमें वो XY लाइन के पैरेलल दिखना चाहिए, टॉप व्यू में हमें वो XY लाइन के पैरेलल दिखेगा। तो ऐसा हमें हेक्सागोन बनाना है जिसका आपको XY लाइन के पैरेलल हमें टॉप व्यू में दिखे वो। तो यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। XY लाइन है, रेफरेंस लाइन हमने बना लिया। अब हेक्सागोन बनाना है जिसका बेस का एज 30 mm है और हाइट 70 mm है। तो पहले बेस हम लोग 30 का बना लेते हैं और उसका बेस का एक एज जो होना चाहिए वो पैरेलल टू VP होना चाहिए, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल, तो टॉप व्यू में हमें वो पैरेलल दिखने वाला है। तो पैरेलल बना लेंगे, 30 का हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर 30। एंगल यहाँ पर कितना होता है, 120 होगा, 120 इधर एंगल पर बना लेंगे 30। हेक्सागोन तो बनाना आता ही है आप लोग, मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाना है। यहाँ पर थोड़ा छोटा आपको लग रहा होगा ये वाला, ये थोड़ा सा कम हाइट का हो गया, कम लेंथ का हो गया है। नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर। हेक्सागोनल प्रिज्म है तो प्रिज्म के पास दो बेस होगा, एक टॉप का एक बॉटम का, दोनों का नेमिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3 को बाहर मान लेते हैं, ये टॉप का है तो इसको हम लोगों ने बाहर कर लिया। उसी तरह से A, B, C, D, E and F, ये अंदर का बेस है, मतलब नीचे का बेस है, तो नीचे का बेस का हम लोग नेमिंग अंदर में करते हैं और टॉप का जो होता है उसको बाहर में करते हैं। ये सब तो बेसिक है। अब यहाँ पर प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रोजेक्टर इसका हो गया, 5 का और 3 का सेम हो जाएगा, 2 और 6 का सेम हो जाएगा और 1 का अलग हो जाएगा। अब इसका एक्सेस हमने निकालना होगा, तो अगर डायगोनल को यहाँ से 6 से 3 मिला लेंगे और 5 से 2 को मिला लेंगे तो यहाँ पर एक सेंटर मिल जाएगा, सेंटर का मिल जाएगा तो ये उसका एक्सिस हो जाएगा। तो इसको भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो ऊपर की तरफ एक्सिस निकालने के लिए, बिकॉज यहाँ पर एक्सिस का हमें रिक्वायरमेंट होगा, जो सर्कुलर होल है वो एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक्सिस को भी हम लोग लाइट पेंसिल से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे,
यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक्सेस का रिक्वायरमेंट है, तो जहाँ पर भी एक्सेस का रिक्वायरमेंट होता है हमने वहाँ पर प्रिज्म के केस में भी एक्सेस सेंटर हमें रिप्रेजेंट करना होता है। बस ये डायगोनल को हमें डार्क पेंसिल से नहीं मिलाना होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एक्सेस निकाल लिया है। आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ स्केल रख लेना, यहाँ से यहाँ स्केल रख लेना और लाइट पेंसिल से दोनों को मिला देना, जिससे कि आपका सेंटर निकल जाएगा और उसको फिर ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देना। अब हेक्सागोनल बनाना है तो हाइट हमारा दिया हुआ है 70 का है, फ्रंट व्यू हम लोग अब बनाने वाले हैं। टॉप व्यू तो हमारा कंप्लीट हो गया, फ्रंट व्यू 70 जहाँ पर आ रहा होगा वहाँ तक हम लोग बना लेंगे। 70 हाइट पर मानता हूँ कि ये हो गया है, ये हमारा कंप्लीट है। फ्रंट में हमें रेक्टेंगल दिखने वाला है। अब कौन कौन सा लाइन जो होगा, प्रोजेक्टर जो गया है वो डार्क होगा। अब हम लोग जनरली फ्रंट से देखते हैं तो इधर से देखते हैं, तो इधर से देखते हैं 3 वाला 2 वाला 1 2 3 4 ये सब हमारे साइड है, हमारे साइड है, ऐसे 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, तो जब हम सामने से देखेंगे तो वो हमें लाइन दिखने वाला है, तो उसको हम लोग डार्क से मिलाएंगे, ये भी प्रोजेक्टर डार्क हो जाएगा, ये भी डार्क हो जाएगा। और 5 और 6 वाला जो लाइन है वो बैक साइड है, वो वाल के नज़दीक है, वीपी के नज़दीक है, तो वो हमें लाइट दिखने वाला है, वो हमें डैश डॉट से दिखेगा, डैश डैश दिखेगा बट वो हाइड हो जाएगा 3 वाले लाइन से। यहाँ पर 3 लाइन है तो वो आगे में है तो वो हाइड कर देगा, यहाँ पर 2 वाला है तो वो इसको हाइड कर देगा। और एक्सेस हमें है तो एक्सेस दिखेगा, डैश डॉट से एक्सेस हम लोग बना लेंगे। ये हमने कर लिया है यहाँ पर, फ्रंट व्यू कंप्लीट। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं, जैसे जैसे बाहर में हमने 1 2 3 माना था तो ये ऊपर में हो जाएगा 1-2-3-4-5-6। नीचे में अंदर में ए है तो ए डैश यहाँ हो जाएगा, बी नीचे का साइड है तो बी डैश बाहर हो जाएगा, सी डैश यहाँ हो जाएगा, डी डैश यहाँ हो जाएगा, ई डैश एंड एफ डैश, ये हमने कर लिया है। अब बोल रहा है उसके बाद, द प्रिज्म हैज़ अ सिलेंड्रिकल होल ऑफ डायमीटर 40 mm। प्रिज्म के पास एक सिलेंड्रिकल होल है जिसका डायमीटर 40 mm है, तो 40 mm डायमीटर का हम लोग यहाँ पर होल करेंगे, सच डैट एक्सिस ऑफ द होल बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ प्रिज्म। इस तरीके से है कि होल का जो एक्सिस है वो बाइसेक्ट कर रहा है प्रिज्म के एक्सिस को। यहाँ पर मानता हूँ कि ये एक्सिस का हाइट हो गया 70 जो दिया हुआ है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कितना पर करेगा, मानता हूँ 35 यहाँ पर आ रहा है, इस पोजीशन पर वो बाइसेक्ट करेगा। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर ही कंपास रखना है और गिवन डायमीटर का हमने सर्कल बना लेना है। डायमीटर 40 mm है, 40 mm का यहाँ पर हमने रखा और 40 mm का हमने सर्कल यहाँ पर, 40 mm डायमीटर का मतलब 20 रेडियस का हमने लेना है, 40 का हम लोग डायमीटर मतलब 20 रेडियस का हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पर भी कट हो रहा होगा आप कट कर लीजिएगा, सच डैट एक्सिस ऑफ होल बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ प्रिज्म। इस तरीके से है कि एक्सिस होल का जो एक्सिस है वो प्रिज्म के एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू वीपी है, और एक्सिस होल का एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू वीपी है, मतलब उसका जो एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब फ्रंट से आप देखिएगा तो वो जो होल का एक्सिस दिखेगा, होल का जो एक्सिस दिखेगा वो एक सेंटर के फॉर्म में दिखने वाला है, एक पॉइंट्स के फॉर्म में दिखने वाला है, मतलब हमने एक्सिस ऐसा ही ड्रॉ करना है। तो 20 का हमने कंपास में ले लिया रेडियस और यहाँ पर टर्न कर लिया, मानता हूँ इसको ऐसे कट कर रहा होगा ये, आप देख लीजिएगा आपका कहाँ कट कर रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कैसा वो कट कर रहा है। ऐसा कुछ होल हो गया, कट कर रहा है इसको, आप देख लीजिएगा ये दोनों लाइन को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कट कर रहा होगा तो ऐसा कुछ बनेगा, हो सकता है अगर इनसाइड होगा तो थोड़ा सा अंदर होगा, वो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाए, बिकॉज ये हमारा 30 है और ये 40 है तो बाहर ही जाने वाला है, वो तो ऑब्वियस से बाहर ही जाएगा, तो इतना हो सकता है या इससे ज़्यादा बाहर चला जाए। अब ये जो होल हो गया है, होल होने के बाद क्या हुआ, जो अंदर का ये जो मटेरियल है सर्कल का वो मटेरियल तो रिमूव हो गया है, रिमूव होने की वजह से अंदर का जो मटेरियल हमने डार्क से शो किया है वो डार्क तो होगा नहीं, एक्सेस वैक्सेस जो भी है वो सब हमें रब कर लेना होगा या इसको लाइट कर देना होगा, तो इसको आप लाइट कर लीजिए, मैं यहाँ पर रब करके रिमूव कर दे रहा हूँ, बिकॉज ये एक होल है, होल होने के बाद जो मटेरियल होगा प्रिज्म का वो तो रिमूव हो जाएगा, तो उसको हमने रिमूव कर लिया, या आप लाइट पेंसिल से उसको थोड़ा सा इरेजर से थोड़ा सा लाइट कर दोगे, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूँ, सेंटर को बस मैं छोड़ दूंगा, बाकी को रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ये हमारा होल कंप्लीट हो गया, ये प्रिज्म है, बीच में जो हमने गिवन डायमीटर का 40 का डायमीटर का हमने यहाँ पर होल कर लिया है, 20 रेडियस का हमने होल कर लिया है। अब इसका डेवलपमेंट करते हैं, पॉइंट्स हम लोग निकालना चाहें तो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर,
सर्कल को अब हमने डिवाइड करना होगा यहाँ पर, बिकॉज हमें पॉइंट्स निकालना है। तो जो ये सर्कल आया है उसका हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, मिनिमम 8 पार्ट कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक आप मिनी ड्राफ्टर रखिएगा, इसको रोलर स्केल से हॉरिजॉन्टली इसको मिला लीजिएगा, और इसको वर्टिकली, तो ये तो यहाँ पर आएगा ही एक्सिस पर, वर्टिकली हमने मिला लिया। इसको और पार्ट में डिवाइड कर लीजिए आप ऐसे, और इसको ऐसे। अब नेमिंग कर लीजिए पॉइंट्स का, पी क्यू से ही करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं पी डैश, यहाँ पर भी कट किया है ये, इसको कर देते हैं क्यू डैश, इसको कर देते हैं आर डैश, यहाँ कर देते हैं एस डैश, यहाँ कर देते हैं पी क्यू आर एस टी डैश, यहाँ यू डैश, और यहाँ वी डैश। ऊपर में भी आप लोग कर लीजिए, यहाँ पी हो गया, यहाँ क्यू हो गया, पी और वी हो गया, तो क्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी सेम कर देता हूँ क्यू। आगे पीछे मैं मान रहा हूँ कि ऊपर नीचे जो है वो सेम प्रोजेक्टर पर सेम नेमिंग कर देता हूँ। आपको कुछ अलग करना होगा तो अलग भी कर सकते हैं, या फिर पी वन कर दो आप, यहाँ पर क्यू हो गया, पी हो गया, क्यू वन यहाँ कर देता हूँ क्यू वन डैश, यहाँ पर फिर कर देता हूँ आर वन डैश, यहाँ कर देता हूँ एस वन डैश, यहाँ कर देता हूँ इस वाले पर टी वन डैश, और यहाँ कर देता हूँ यू वन डैश। बाकी तो ये पी वन पी पी डैश और वी डैश हो ही गया है। ऊपर वाले में वन वन लगा दिया और नीचे वाले में क्यू आर एस टी यू लगा दिया, और बैक साइड भी जैसे आगे में सर्कल हुआ है तो बैक भी सर्कल होगा, तो वहाँ पर भी नीचे का सेम हो जाएगा क्यू आर एस टी यू, एंड ऊपर का हो जाएगा क्यू वन आर वन एस वन टी वन एंड यू वन। तो ये हमने नेमिंग कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका डेवलपमेंट कर लेना है। डेवलपमेंट कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। आपको पता है प्रिज्म का डेवलपमेंट हम लोग पैरेलल लाइन मेथड से करते हैं, तो पैरेलल लाइन मेथड से उसका हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। इसको एक्सटेंड कर देते हैं पहले। प्रिज्म का डेवलपमेंट तो ईजी है हम लोग, उस केस में सिलेंडर के केस में थोड़ा सा हमें सरकमफ्रेंस निकालना होता था, बट प्रिज्म का केस तो हमारा आसान होता है, हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। थोड़ा सा डाउन हो गया है, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, बिकॉज पैरेलल लाइन मेथड है तो दोनों को एक्सटेंड करना होता है। नीचे का पॉइंट हम लोग बाद में निकाल लेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल प्रिज्म का डेवलपमेंट कर लेते हैं। इनिशियल पॉइंट आपको फिक्स करना होता है जब भी हम लोग सिलेंडर या प्रिज्म का डेवलपमेंट करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं। तो कुछ भी गैप लेकर अपने से आप इनिशियल पॉइंट फिक्स कर लीजिएगा, और स्टार्टिंग वाले लाइन को डार्क कर लीजिएगा, या फिर आप देख लीजिएगा डार्क करना है। इसमें तो डार्क हम लोग कर सकते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में जैसे सेक्शन का पोर्शन होता है तो वहाँ पर हमें डार्क नहीं भी करना रहता है। तो यहाँ पर हमने कर लिया ये फर्स्ट पॉइंट। अब जो भी गैप है इसका 1 से 2 का 30 है, ये भी 30 mm है, ये भी 30 mm, ये भी 30 mm, तो 1 से 2 या ए से बी हमने लिया, ए से बी यहाँ कट कर लिया, कट करते जाते हैं। पहले तो इसका डेवलपमेंट तो हम लोग इजीली कर ही सकते हैं, तो कर लेते हैं ए से बी, यहाँ पर मान लीजिए बी आ रहा है, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, और आगे तक हो जाएगा, फिर से आ जाएगा एफ के बाद ए, ई से एफ, एफ से ए। इसको लाइट पेंसिल से भी मिलाते हैं, बिकॉज बीच में कुछ सर्कल भी है तो वो रिमूव हो जाएगा, तो अभी लाइट पेंसिल से इसको ऊपर वर्टिकली कर लेते हैं, बिकॉज ये डिस्टेंस तो हमें मिल ही गया है ना, ये डिस्टेंस मिल गया तो इसको हम लोग वर्टिकली अपवर्ड कर सकते हैं। सिलेंडर के केस में हमें डिवाइड करना होता था, वहाँ से एक्चुअल लेंथ निकालना होता था, सर्कमफ्रेंस निकाला, फिर सबको एक इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, बट ये तो हमें पता है ये 30 है, ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ऊपर में भी नेमिंग कर लेते हैं 2 3 4 5 6 एंड 1, ये हमने बना लिया यहाँ पर। अब देखते हैं इसके बाद स्टार्टिंग वाले को डार्क किया कर लेंगे बाद में डार्क, सारा जो भी डार्क होने वाला है, बिकॉज अभी हमें यहाँ पर डेवलपमेंट सिलेंडर का भी करना है, जो सर्कुलर होल सिलेंड्रिकल होल हुआ है उसका भी हमने यहाँ पर डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, और पी और क्यू यहाँ, पी और वी यहाँ पर निकालना थोड़ा सा टफ है, बिकॉज ये किसी प्रोजेक्टर को कट नहीं कर रहा है, जो जो प्रोजेक्टर को कट कर रहा है, जैसे ये एज को कट कर रहा है, ये एज को कट कर रहा है, ये वाला है, तो जो जो कट कर रहा है वो तो हम लोग इजीली पॉइंट निकाल सकते हैं। तो उसको पहले हम लोग हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर देते हैं। ये एस वन डैश है, ये एक्सिस वाले लाइन पर है, तो एक्सिस वाला लाइन तो कोई एज है नहीं, तो वहाँ से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग फिर बाद में निकालना हुआ तो निकाल सकते हैं। तो फिलहाल क्या करते हैं, अभी जो जो प्रोजेक्टर को कट कर रहा है, जैसे Q1 डैश U1 डैश, इसका प्रोजेक्टर सेम है, तो इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं।
और क्यू वन किसको कट किया है, 2 से 6 को, 2 और 6 वाले को किया है, 2 को और 6 को, तो इसको एक्सटेंड करते हुए 2 और 6 पर लेके चले जाते हैं। यू का भी सेम रहेगा, यू वन का 2 से 2 को भी किया है और 6 को भी किया है, तो ये हमने कर लिया। और ये किसको किसको किया है, यू वन 3 को किया है, 5 को किया, तो 3 तो हो गया और 5 भी हो गया है। तो नेमिंग भी आप करना चाहो तो कर सकते हो साथ में, जैसे क्यू वन है 2 वाले लाइन पर, तो यहाँ पर हमने कर दिया क्यू वन, क्यू वन डैश लगाने की जरूरत नहीं है, क्यू वन हो गया। अब यू वन है, क्यू वन और किस पर है, 6 पर है, यहाँ पर भी हमने कर लिया क्यू वन। नेमिंग करते चलेंगे तो हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। अब यू वन देख लेते हैं, यहाँ पर है 3 वाले और 5 वाले पर है, तो 3 वाले पर हमने कर लिया यू वन, और किस पर है, 5 वाले पर है, तो 5 वाले पर कर दिया हमने यू वन। उसी तरह से नीचे वाले का भी कर देते हैं, नीचे में क्यू वन क्यू है और यू है, क्यू डैश यू डैश है, तो इसको भी हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर देते हैं, दोनों सेम ही प्रोजेक्टर होगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा गैप आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एरर नज़र आ रहा होगा, आप लोग को प्रॉपर स्केल और प्रोजेक्टर यूज़ करके, प्रोजेक्टर यूज़ करके बनाना है सब कुछ। Q किस पर है, सेम यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा Q, वहाँ पर Q1 था ऊपर में, तो यहाँ Q हमने ले लिया, यहाँ पर U ले लिया, और यहाँ पर हमने U ले लिया, और यहाँ पर हमने Q ले लिया, सारा पॉइंट निकल गया। यहाँ पर थोड़ा सा गैप आपको ज़्यादा लग रहा होगा, वो आप थोड़ा सा जब आप स्केल यूज़ करोगे या मिनी ड्राफ्टर यूज़ करोगे तो आपका ठीक रहेगा। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ। अब कौन सा हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए आर वाला तो किसी प्रोजेक्टर पर है नहीं, एक ये वाला था और एक ये वाला था, ये दोनों तो हमने निकाल लिया है। अब P और V निकालना है, तो P और V निकालने के लिए हम लोग को P को नीचे लेके तरफ नीचे लेकर जाना होगा इस वाले पर, बिकॉज सामने से तो हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और ये लेकर जाएंगे भी तो ये किसी भी वर्टिकल लाइंस को तो कट किया नहीं है, ये तो फ्री है, किसी भी टच लाइन को टच नहीं कर रहा, तो हम लोग को इसे नीचे लेकर चले जाना होगा डाउनवर्ड। आप प्रॉपर स्केल से इसको करोगे, गैप थ्रू आउट सेम रहना चाहिए। ये हो गया, उसी तरह से V का यहाँ पर कर देते हैं, दोनों की तरफ से लेंथ सेम ही आने वाला है, लेकिन आप शो कर दोगे कि कहाँ पर जा रहा है, वो ऐसे आ गया। अब यहाँ पर P है तो P यहाँ पर भी आ जाएगा और P यहाँ पर भी आ जाएगा, दोनों तरफ मैं P P कर दिया हूँ, यहाँ पर भी P आ जाएगा और यहाँ पर भी P आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर V है, V आ जाएगा, यहाँ पर V है, यहाँ पर भी V है, तो लेंथ तो सेम ही आने वाला है। अब हमें निकालना है पॉइंट्स, तो क्या करना होगा, F और A के बीच में कहीं पर P है, तो F से P का डिस्टेंस हमने लिया कंपास में, F से P का डिस्टेंस लिया और A के तरफ, F से P का डिस्टेंस लिया और A के साइड हमने यहाँ पर P कट कर लिया। वो देखना पड़ता है किस लाइन पर, देखिए आप यहाँ पर F और A है, F से A के तरफ हमें जाना है और P डिस्टेंस यहाँ पर कट करना है, P डिस्टेंस हमने कट कर लिया। उसी तरह से यहाँ पर भी है, B से A की तरफ जाना है और B से A की तरफ P डिस्टेंस कट करना है, B से A की तरफ हमने P डिस्टेंस कट कर लिया, और इसको वर्टिकली अपवर्ड भी लेके चले जाना है हाफ तक, बिकॉज इसका प्रोजेक्टर इधर जाएगा तो वो उसको कट करेगा, मानता हूँ यहाँ तक इसको कर दीजिए आप, इसको यहाँ तक ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। P का हमने कर लिया, V का कर लिया, V का अब हमने करना है, V का यहाँ से है D और E लाइन पर है, तो E से हमने D की तरफ बढ़ा और V जो डिस्टेंस है V ले लिया, और ED लाइन पर है, ई से डी की तरफ हमने यहाँ पर वी कट कर लिया, ये हो गया वी, इसको भी ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। उसी तरह से यहाँ पर भी है, नीचे में भी है, सी डी लाइन पर सी से डी की तरफ हमने जाना है, सी से डी की तरफ जाना है और वी डिस्टेंस सी से वी डिस्टेंस लेना है, सी यहाँ पर है, सी से डी की तरफ हमने गया और यहाँ पर वी डिस्टेंस लिया, ये वी हो गया, इसको ऊपर चले गए। चलिए अब यहाँ पर जो पी और वी है उसको हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे, बिकॉज वो उस लाइन को कट करेगा, वहीं पर P हो जाएगा, वहीं पर V हो जाएगा। चलिए अब P वाले लाइन पर P, ऐसे ये P था, P का प्रोजेक्टर था, यहाँ पर आ जाएगा P, यहाँ पर V है तो यहाँ पर आ जाएगा V, यहाँ पर U है, यहाँ पर U1 डैश है, यहाँ पर U है, डैश लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कर दीजिए इसी तरह से सिमिलरली P, यहाँ पर हो जाएगा V। चलिए पी क्यू निकाल लिया, U निकाल लिया, V निकाल लिया, अब R, T, S निकालना है, S तो हमें निकालना पड़ जाएगा बिकॉज हाइट कहाँ पर है वो हमें देना पड़ जाएगा, तो इसका भी प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ पर जो कट हुआ
वो हमें आप डायरेक्टली वो सेंटर के पास है, बीच में है, तो अगर हम लोग इसको इसको हाफ भी कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर अलग से मेज़र करने का रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं है, बट आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा S1 और नीचे ये चला जाएगा तो हो जाएगा S, बिकॉज ये S इसी पर है, इसका प्रोजेक्टर नीचे जाएगा तो नीचे हो जाएगा यहाँ पर S1। और ये 30 था तो ऑलरेडी ये सेंटर को कट किया है, हाफ हाफ हो जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ पर से जब ये आ जाएगा, जब हाफ हाफ हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक है, तो 15 पर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए बी यहाँ पर कौन सा लाइन है, एफ और ई, एफ और ई के बीच में ये कैप कंपास में डिस्टेंस लेना है, और ऐसे वो 15 ही होगा, लेकिन फिर भी कंपास में आप ले लीजिएगा। एफ और ई के बीच में S1 कट कर लेते हैं, एफ और ई के बीच में यहाँ पर क्या है, एस है, एस मैंने कट कर लिया। उसी तरह से यहाँ पर भी एस है, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में मैंने कट कर लिया एस, ठीक है। तो यहाँ पर S1 भी है और बैक साइड भी S1 होगा और आगे में भी होगा, ये हमने दो पॉइंट्स निकाल लिया है। अब क्या करना है, हमने इसको ऊपर की तरफ लेकर चले जाना है, इसको भी ऊपर की तरफ लेकर चले जाना है, इसी पॉइंट पर S भी होगा, S1 भी इसी पॉइंट पर होगा। अब यहाँ से S1 का हॉरिजॉन्टली जहाँ कट करेगा वहाँ S1 हो जाएगा, और यहाँ से जो कट करेगा वो S हो जाएगा। तो इसको हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, सिर्फ हमें पॉइंट्स निकालते जाना है और उसको फ्री हैंड मिला देना है, वही हमारा फाइनल डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ S वाले को कर लेते हैं, S यहाँ पर है, वो भी डिस्टेंस हमने कट कर लिया है, इसको यहाँ से यहाँ एक्सटेंड कर लेते हैं, चलिए ये भी हो गया हमारा। अब S देख लेते हैं, S कहाँ पर है, S यहाँ पर है, यहाँ पर S1 ऊपर में दिया था तो S1 हो गया, और इस वाले लाइन पर S है, और इसका प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टल ये है तो ये S हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर S1 का प्रोजेक्टर ये है ऊपर में, और यहाँ पर S का प्रोजेक्टर ये है, तो यहाँ पर S1 और S दोनों एक ही जगह पर आया है। यहाँ पर मैं S1 भी लिख सकता हूँ, बट वहाँ पर आपको एक ही नेमिंग दिया कि आप कन्फ्यूज ना हो जाए। यहाँ पर S ये हो गया S, यहाँ पर आ गया S। तो हमें पॉइंट सफिशेंट पॉइंट मिल गए हैं। आप चाहो तो R1 या T1 को नहीं भी कर सकते हो, या करना है तो आप क्या करोगे, इसको फिर से ऐसे प्रोजेक्ट कर दोगे, यहाँ पर जो लेंथ कट होगा वो हो जाएगा R, F से E के बीच में कहीं पर R होगा तो F से R का डिस्टेंस हमने F और E के बीच में ले लेंगे, F और E इस साइड हमने कट करेंगे तो यहाँ पर एक और पॉइंट R भी मिल जाएगा, तो उससे थोड़ा सा कर्व बनाने में आपको सहूलियत मिलेगा। तो आप चाहो अगर बेटर कर्व यहाँ पर बनाना तो R और T का आप करके यहाँ पर प्रोजेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, जिससे कि R का यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा और यहाँ पर T का हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर फिगर मेरा थोड़ा ज़्यादा गंदा दिखने लगेगा, इसलिए मैं आप लोग को इतना ही में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आप क्या करोगे, एक एक पॉइंट्स और यहाँ पर भी निकाल लोगे, एक एक पॉइंट्स और यहाँ पर भी निकाल लोगे, जिससे क्या होगा, जैसे R का प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टल इधर जाएगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा दिखने लगेगा आपको देखने में, इसलिए मैं इतना ही पर इसको फ्री हैंड मिला दे रहा हूँ। अब क्या करना है, हमने P से Q, Q से S, S से U, U से V, फिर V से U, U से S, ऐसे करके फ्री हैंड बना देना है, और एक इलिप्स के फॉर्म में बनेगा, तो इसको मिला देता हूँ मैं। फ्री हैंड बनाना है और स्ट्रेट लाइन से नहीं बनाना है। एक स्टूडेंट ने मुझे बनाकर भेजा था कल का क्वेश्चन को, लास्ट क्लास के क्वेश्चन को, तो वो क्या किए, वो स्ट्रेट लाइन से मिला दिए थे, तो वैसा गलती नहीं करना है। इसलिए आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग बनाकर जरूर भेजा कीजिए, जिससे कि क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोग सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। और इलिप्स जैसा कोशिश करना है बनाने के लिए, वैसा हैंड का मूवमेंट करना है कि वो इलिप्स जैसा बने। थोड़ा सा एरर होता है तो उसको आप रब करके ठीक कर लीजिएगा, और सारा पॉइंट को वो टच करते हुए जाना चाहिए। मेरे पॉइंट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है आर्क देखने में आप लोग उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप लोग जब बनाओगे तो 100% एक्यूरेसी के साथ बनाओगे तो आपके पॉइंट्स जो होंगे अच्छे आएंगे, तो इलिप्स भी आपका अच्छा बनेगा। मेरा देखिए इधर का जो पॉइंट है ज़्यादा गैप पर आ गया है, जिससे मिलाने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रोसेस आपको बता दिया हूँ, बाकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बनाते बनाते आपको भी आ जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा कि आर्क एक्चुअल में बनेगा कैसे, और पॉइंट ज़्यादा निकालिएगा तो आर्क बनाने में भी थोड़ा सा आपको सहूलियत होगा। तो पॉइंट्स आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा निकालें, और लाइट पेंसिल का थोड़ा सा ज़्यादा इसमें यूज़ कीजिएगा, बिकॉज ये सब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बहुत ज़्यादा अगर दिखेगा, दिखना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपने ये प्रोसेस निकाला है, बट बहुत कम दिखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको बनाने में आसानी होगा, और आर्क जो होगा आपका जो इलिप्स बनेगा वो एग्जैक्ट इलिप्स बनेगा। यहाँ पर आप देखो कि इस साइड में तो कुछ हद तक ठीक बना, यहाँ पर गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया था स्टार्टिंग में, इसके वजह से वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट प्रोसेस यही है, मेथड यही है, बनाना आपको ऐसा ही है। तो ये होल्स था सर्कुलर, बट हमने जब ओपन किया तो यहाँ पर जब सर्कुलर था तो जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये तो
ये तो स्ट्रेट है, आगे से पैरेलल था, बट ये दोनों जो सरफेस था इधर वाला वो इंक्लाइंड था, तो इंक्लाइंड को जब हमने ओपन किया तो वो इलिप्स का फॉर्म ले लिया है। अब क्या होगा, बीच का मटेरियल तो रिमूव है, ये मटेरियल रिमूव किया हुआ, ये मटेरियल रिमूव किया हुआ, इसको छोड़कर जो भी पोर्शन बना है वो हमें डार्क करना होगा, बिकॉज ये प्रिज्म है तो प्रिज्म में इनर एजेस भी डार्क होते हैं, तो होल को छोड़कर बाकी सारा पोर्शन को हम लोग डार्क कर लेंगे। तो डार्क कर लेते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, पहले तो आउटर वाला को डार्क कर ही लेना है, वो तो सिलेंडर भी रहेगा तब भी हम लोग करना है आउटर वाले को, उसके बाद फिर प्रिज्म है तो यहाँ पर इनर वाला भी डार्क होगा, बिकॉज प्रिज्म और पिरामिड में इनर में एजेस होते हैं, कोन और सिलेंडर के केस में इनर में कोई एजेस नहीं होते हैं। ये हमने मिला लिया। अब ये 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी वर्टिकल लाइन है सबको करेंगे, बस होल्स को छोड़ देना है, होल्स को हमने नहीं करना है, जो भी होल्स हमने किया था वो छोड़ देंगे और बाकी को आप मिला लीजिएगा। जितने भी वर्टिकल लाइंस है, ये तो प्रोजेक्टर था ना हमारा, तो इसको नहीं मिलाना है, इसको आप एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा, जैसे आपने ड्रॉ किया था वैसा ही इसको नहीं मिलाना है। 3 वाला लाइन को मिलाना है अब हमें, 3 से सी, 4 वाला तो पूरा होगा बिकॉज यहाँ पर कोई भी होल्स नहीं है, फिर 5 वाला लाइन जो होगा वो पूरा नहीं मिलाना होगा बिकॉज बीच में होल्स भी है, वो मटेरियल वहाँ कट करके रिमूव हो गया है, ये F से 6 वाला है तो इसको भी हमने यहाँ पर मिला लिया है। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया है, फाइनल डेवलपमेंट हमने कर लिया है। यहाँ पर डायमेंशनिंग आप नहीं हमने नहीं किया था, तो डायमेंशनिंग आप कर लीजिए 30। तो अगर आप ज़्यादा बेटर आर्क चाहते हैं तो एक पॉइंट सबका यहाँ पर भी आ जाएगा, आई थिंक इसके बीच में आएगा यहाँ पर, हाँ क्यू और इसके बीच में एक पॉइंट्स आ जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट्स आ जाएगा, तो ज़्यादा वो बेटर हो जाएगा। और भी अगर चाहते हैं पॉइंट्स निकालना तो इसको सर्कल को यहाँ पर 12 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, और भी यहाँ पर भी एक पॉइंट्स आ जाएगा, तो और बेटर आर्क आप बना सकते हैं। अब देख लीजिएगा अगर इतना में ही सफिशेंट आर्क आपका बन जा रहा है, बिकॉज आप जब कंपास और प्रोटेक्टर और जो भी इक्विपमेंट यूज़ करोगे मिनी ड्राफ्टर, अगर उसके हेल्प से ज़्यादा अगर बेटर आर्क बन जा रहा है इतना ही में तो बेटर है, अदरवाइज़ यहाँ पर पॉइंट्स आप इस वाले का भी यूज़ कर लीजिएगा, आर को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कीजिएगा, टी को नीचे की तरफ, जिससे कि आपका एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, सॉरी एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ आ जाएगा, तो जिससे कि आपका पॉइंट ज़्यादा होगा तो आपका हैंड का मूवमेंट करने में आसानी होगा। और ये सब सब फ्री हैंड बनाना है, सब आर्क के फॉर्म में बनाना है। कल एक क्वेश्चन मैंने जो करवाया था सिलेंडर में एक स्क्वायर का, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट ने स्ट्रेट लाइन से मिलाकर यहाँ पर बना दिया था, जो कि सरासर गलत है, वैसा नहीं बनेगा। वहाँ आर्क के फॉर्म में आपको बताया था वीडियो में कि आर्क के फॉर्म में बनेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा अच्छे से सुनिए और देखिए और उसको बनाकर मुझे सेंड कीजिए, ताकि हो सकता है कि आप समझ कुछ और रहे हैं, मैं कुछ और बता रहा हूँ, आप कुछ और समझ जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, आई थिंक सारा कंप्लीट हो गया है। ये सब लाइट पेंसिल से आप बनाइएगा, जो भी मैं रेड से बनाया हूँ, जो भी प्रोजेक्टर है वो सब आपको लाइट से बनाना है। फाइनल सॉल्यूशन को सिर्फ आपको डार्क करना है जो बाहर है, और ये जो 2 से 3, 3 से 2, 2 से B, 3 से C, 4 से D, 5 से E, E से 6 से F, और बीच का होल जो होगा वो एम्प्टी होगा, यहाँ पर होल है तो मटेरियल यहाँ से रिमूव किया हुआ है तो वहाँ पर खाली हो जाएगा वो। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इससे रिलेटेड जो डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर इंजीनियर आधार ग्रुप बना हुआ है, चैनल भी बना हुआ है और ग्रुप भी बना हुआ है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, चैनल आप सर्च कीजिएगा तो चैनल तो आपको मिल ही जाएगा, वहाँ से भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, डिस्कशन का ऑप्शन वहाँ पर भी देता है। अदरवाइज़ फेसबुक पर पेज बना हुआ है इंजीनियर आधार के नाम से, वहाँ पर भी आप पेज सर्च करके इंजीनियर आधार को या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा तो पेज पर चले जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वहाँ पर भी मैसेज करके आप कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक आप आपको जानना है, पढ़ना है, तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको भी बना दूँ, और जैसे जैसा टाइम मैनेज होता जाएगा मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।